हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। माननीय श्री पुनीत शर्मा और दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को सगुन स्वर संगीत पार्टी और गंगा कैसेट की ओर से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही साथ साथियों, आप लोग मेरा संगीतीय परिचय लीजिए। साथियों, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं विक्रमपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री गोपी किसान है। मेरी माता जी हैं जिनका नाम मालती देवी है। एक मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम सुरेश कुमार है। साथियों, गरीबी चरम सीमा पर होने के कारण मेरे माँ बाप मुझे घर पर पढ़ा नहीं सके। वो मजबूर होकर मुझे पढ़ने के लिए बचपन में मेरे ननिहाल भेज दिए। मैं वहीं पर पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। मैंने वो फॉर्म डाल दिया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। आज मैं अपने घर जा रहा हूं। ये खुशखबरी मैं अपने घर वालों को सुनाऊंगा, अपने दोस्तों को सुनाऊंगा तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि आज मैं घर पर जाकर अपने माँ बाप से अपने भाई का आशीर्वाद लेकर आज ही की ट्रेन पकड़कर मुझे हैदराबाद के लिए रवाना होना है। वो इसलिए कि कल ही मेरी जॉइनिंग है थाना रामपुर। चलता हूं साथियों, लेकिन चलने से पहले गांव के छोर पर ही मेरे एक बहुत ही पुराने मित्र का घर है जिसका नाम रामशरण है। साथियों, सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अपने दोस्त रामशरण को सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। चलता हूं साथियों। ओ रमेश, है ना तू? कौन? मुझे नहीं पहचान रहा है? नहीं, तुम्हारा पुराना दोस्त रामशरण हूँ। हाँ, रामशरण? अरे मेरे भाई, तुम हो? हाँ। और कैसे हो दोस्त? बहुत बढ़िया हूँ। और सब ठीक ठाक है ना? हाँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। एक बात ये बता, हाँ, कि गांव देश का हाल कैसा है? बहुत बढ़िया भैया। ये बताओ सबसे पहले कि चाचा जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। चाची जी? बहुत अच्छी हैं। अरे अपने भाभी की बात मत पूछ। क्यों ना पूछूं? जानता है आपकी साल तीन तीन बच्चों को जन्म एक साथ दिया है। तीन बच्चे? एक बच्चा और चला आ रहा था, मैंने डांट दिया, नो एंट्री। डर की वजह से वापस चला गया, नहीं तो चार हो जाते चार। अरे यार रामशरण, कैसी बातें करता है, अभी वो तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। यार जरा सोच कि बच्ची हो या बच्चा, बच्चे दो ही अच्छे। देखो, आदमी को अपनी हैसियत के हिसाब से, औकात के हिसाब से बच्चों को पैदा करना चाहिए, ताकि हम उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सके, ताकि वो एक दिन आगे चलकर भविष्य में अपने जीवन को संवार सके। अरे भैया, जब हमार काम डांटे हो जात बा, जेका चाहे बोला ले, जेका डांट दे भाग जा, कहो जो दिए पैसा खर्चा करे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर तेरे ही तरीके से हिंदुस्तान के हर इंसान सोचने लगे तो हिंदुस्तान की आबादी कहां से कहां पहुंच जाएगी। हाँ, कुछ भी काम ही न करे। और एक बात बताओ कि हमारे घर का हाल क्या है?
एक बात ये बताओ, हमारे बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी हैं, बड़े भैया कैसे हैं? बोलो रामशरण। ए रामशरण, अरे ये क्या, मैंने तुझसे अपने परिवार वालों का कुशल पूछा तो मैं क्या देख रहा हूं कि अचानक तेरी आंखों में आंसू? बात क्या है, बात क्या? सच सच बता भैया, बरसों के बाद मुलाकात हुई है, वही पुरानी बातें याद आ गई, जब हम और तुम साथ साथ में रहते थे भैया, प्राइमरी पाठशाला में सरकारी में जाया करते थे, जो काम करते थे हम दोनों मिलकर के करते थे, जो खेल खेला करते थे हम दोनों मिलकर खेला करते थे, एक एक आंखों में आंसू आ गए भैया। और कोई बात नहीं है, आपके परिवार बिल्कुल खुशहाल हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी तूने मुझे सुनाया। रामशरण, आज तेरे मुख से अपने परिवार वालों का कुशल मंगल सुन करके मैं एकदम से बहुत खुश हो गया। आज इसी के साथ साथ मैं भी तुझे एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसको सुनते ही तू फूला नहीं समाएगा। और क्या खुशखबरी है? वो खुशखबरी ये है मेरे दोस्त, तू तो अच्छी तरीके से जानता है हमारे घर की परिस्थिति को। हाँ भैया, मैं बचपन में अपने ननिहाल गया, मैं वहाँ पे पढ़ा लिखा, मेरे मामी मामा नानी नाना ने अथक प्रयास करके मैंने अपनी लगन से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना, यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था, मैं वो फॉर्म डाल दिया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। आज ये तेरा दोस्त रमेश कुमार जो तेरे सामने खड़ा है, वो पुराना रमेश कुमार नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रमेश कुमार की हैसियत से खड़ा। अरे वाह रे भैया वाह, मेरा दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर। एक खबर चल करके पहले अपनी माता जी सुनाओ। राइट। अरे सुनेगी ना, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, चले। हाँ मेरा ये बैग ले चलो। हाँ क्योंकि मैं अपने पुराने मित्रों से गांव से मिल करके आता हूँ। जितनी जल्दी हो सके चले आना भैया। ठीक है, और माँ को ये बतला देना कि भैया आए। हाँ रमेश भैया आ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक भैया, चलो हम जाए। हाँ साथियों, इस मौसमी बहार को देखते हुए विकास गीत यानी लोकगीत आप लोगों के सामने पेश है। इसमें जो कुछ भी त्रुटियां हो अपना नादान बच्चा समझ करके क्षमा कीजिए। धनवा के खेतवा में पहुँच के गुजरिया, धनवा के खेतवा में पहुँच के गुजरिया, अरे धीरे धीरे खुरपी चाला वेला हो दुइनो हथवा के, हो दुइनो हथवा के कंगना बा जावेला, दुइनो हथवा के धनवा के खेतवा में पहुँच के गुजरिया, धनवा के खेतवा में पहुँच के गुजरिया, धीरे धीरे खुरपी चा लावे ला हो दुइनो हथवा के, हो दुइनो हथवा के कंगना बा जामेला, दुइनो हथवा क्या भगवान।
राम शरण से बोली थी भैया, रमेश के पास फोन कर देना, लगता है पागल भूल गया, नहीं तो अभी तक हमारा बच्चा आ गया होता। समझ में नहीं आता कि राम शरण है कहा। अरे माँ, आप मुझसे कहें मैं फोन न करूं? भैया आ चुके हैं। क्या? अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं। देख, उनका बैग मैं साथ में लाया हूं। नहीं माँ, माँ एक बात मैं तुमसे कहूंगा, बहुत दिनों के बाद छोटे भैया आ रहे हैं, अगर तू उनके सामने आंसू बहाएगी उनके दिल पर क्या बीतेगी माँ? हाथ जोड़ता हूँ माँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। नहीं भैया, अगर छोटे अनु छोटे भैया आ जाए उनके सामने आंसू मत बहाना माँ। भैया आते ही होंगे, इंतजार कर ले माँ, बैठ जा। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी ननिहाल से घर वापस आया करता था तो मैं अपनी मां को आवाज दिया करता था। मेरी मां मेरी आवाज सुनते ही दौड़ कर आती थी, अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है, मां की आंखों में आंसू, आज इन्होंने ये अपना कौन सा रूप धारण किया है मालिक, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका कारण अपनी मां से जरूर पूछूंगा। मां, क्यों बैठी गमगीन हो, अम्मी क्या है अम्मी क्या है बा, और मुरझा या मुखड़ा तेरा मां, क्यों नैने करे बरसा। करे बरसात है मैया, अज साफ साफ बतलाना, और पूछे रहा माँ लाल आपका, माँ कुछ भी नहीं छिपाना। क्या बात है माँ, क्या बात है जो आज आपकी आंखों में आंसू? इससे पहले तो मैंने आपका ये रूप कभी नहीं देखा था माँ। बतलाओ माँ, मेरा कलेजा बैठा जा रहा है, मुझे सच्चाई बतलाइए। देखो माँ,
मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चाई बतलाइए, आपको अपने प्यारे बेटे रमेश की सौगंध है माँ? क्या बात है बोलो? भैया अगर तू जानना चाहता है तो मेरी बात सुन ले बच्चे। बोलो माँ। जुलम ढा दिया तेरे बापू को उसने खत्म कर दिया और तेरा भैया न अब तुझसे मिल पाएगा। भाई भाई का जोड़ा जुदा कर कहो माँ, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए, कह दीजिए माँ कि ये सारी बातें झूठ है। सना को यही सच्चाई है मेरे लाल, तू मेरी हालत को देख रहा है तो समझ सकता है कि माँ मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। जमींदार विक्रम सिंह ने मेरे बाबूजी को मारा, आखिर क्यों माँ क्यों? कोई तो कारण रहा होगा। छोटी सी बात है मुन्ना, एक समय की बात है जब तुम दोनों भाई छोटे छोटे थे, एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, तुम दोनों भाई भूख से तड़प रहे थे, तुम्हारी भूख तुम्हारे बाबूजी से देखी नहीं गई, उन्होंने जमींदार की हवेली गए और वहां से 500 रुपए कर्ज लाए थे भैया, लेकिन गरीबी के कारण हम वो पैसे वापस नहीं कर पाए थे। उस 500 के बदले में जमींदार 5000 रुपए बना लिया। एक दिन हमारी झोपड़ी पर पैसे मांगने के लिए आया, तेरे बाबूजी बीमार थे, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, जमींदार पैसे मांगने लगा, मैं उसके सामने हाथ जोड़ी, उसके पांव पड़ी कि बाबू साहब जैसे इतना दिन आप शांत रहे एक महीने का मौका और दे दीजिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, एक महीने में किसी ना किसी तरीके आपका पाई पाई चुका दूंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे उस हत्यारे जमींदार ने मेरी आंखों के सामने तेरे बाबूजी को गोली मार दिया। अरे माँ, उस हत्यारे जमींदार ने मेरे बाप को गोली मार दिया और आपने मुझे सूचना तक नहीं किए कि मेरा एक बेटा भी था। मेरे बाप को उस जमींदार विक्रम सिंह ने गोली मार दिया। अरे उस वक्त बड़े भैया कहाँ थे? उस कमीने को वहीं पर जिंदा जमीन में दफन क्यों नहीं कर दिया? कहाँ थे बड़े भैया? भैया, तेरे बड़े भैया विक्रमपुर शहर में काम करने के लिए गया था, उसी दिन वहां से वापस आया, उसी समय मैं तेरे बाबूजी के लाश के पास पड़ी रो रही थी, तभी तेरा भैया आया, पूछ लगा माँ क्या बात है, जैसे तुझसे बता रही उसी तरीके सारी बातें से बताई, सुनते ही एकदम पागल सा हो गया। बाप की लाश दफनाने के बाद सीधा वहीं से भागता हुआ जो हवेली के पास पहुंचा, पीछे पीछे वो आगे आगे मैं उसे मना करती रही, लेकिन हमारी एक बात नहीं सुना। पहुंचते ही जमींदार को भला बुरा कह दिया, बस जमींदार ने अपने आदमियों से बनवा कर मेरे बेटे को मेरे कलेजे के टुकड़े को चलात के हवाले कर दिया। तो खा कसम दूध की मैया, मैं कह रहा खा कसम दूध। मैं कह रहा दूध की तेरे ताकत
दिखाऊंगा मैं, जिसने छीना तेरी मांग सिंदूर को छीन लाऊंगा साले का संसार। हर जमा जाते मुझे, मुझे। मैं ज्यादा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे तुझे नहीं खोना चाहती मेरे लाल। नहीं रो नहीं माँ, रो नहीं। ये तुम्हारा छोटा बेटा रमेश कुमार तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। या मालिक, कितना अरमान लेकर मैं ननिहाल से घर चला था, कितनी खुशी लेकर चला था, लेकिन मुझे क्या मालूम था मालिक कि घर पर पहुंचते ही मेरी सारी खुशियां बिखर जाएंगी। कैसे बतलाऊं मां, अरे मैं बहुत खुश था, खुशी खुशी मैं ननिहाल से आया कि चल रहा हूं मैं आप लोगों को वो खुशखबरी सुनाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि घर पर पहुंचते ही मेरी सारी दुनिया ही उजड़ी हुई मिली। मुन्ना, ऐसी कौन सी खुशी लेके आया है मेरा बच्चा, मुझसे बताओ बाबू। अभी तेरी माँ जिंदा है, बोलो भैया ऐसी कौन सी खुशी लेके आया है तू? जरूर बताऊंगा माँ, जानती हैं आप अच्छी तरीके से कि मैं बचपन से ही ननिहाल में पढ़ रहा हूँ और मैं लगन से पढ़ाई किया। आप लोगों की उम्मीदों पर मैं खरा उतरा माँ, दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना माँ। जानती हैं पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला तो मैंने वो फॉर्म डाल दिया और आज ये तेरा बदनसीब बेटा रमेश कुमार तेरे सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से खड़ा है। बस यही कुछ खबरी मैं सुनाने के लिए आपके लोगों के पास दौड़ा दौड़ा भाग कर आया। मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया भगवान। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है जो कभी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी आज वो करके दिखा दिया मालिक। हो सकता है इसी बहाने हम गरीब की गरीबी दूर हो जाए मालिक। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। अरे जो अरमान दिल में सजा कर आया तो वो तो चकनाचूर हो गया। अभी अभी तो मैं आया हूं, अभी अपनी जन्म देने वाली माँ को भर नजरों से कायदे से देख भी नहीं पाया और मुझे अफसोस इस बात का है माँ। काय बात का? इसी वक्त मुझे आपकी नजरों से ओझल होना पड़ेगा। क्यों भैया? वो इसलिए माँ कि आज शाम की ट्रेन है, मुझे हैदराबाद जाना जरूरी है क्योंकि कल सुबह ही मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, इसलिए मुझे आपसे जुदा होना ही पड़ेगा माँ। इतने दिन बाद आया, एक दिन भी माँ के साथ नहीं रहेगा तो? कैसी बातें कर रही है माँ, अरे बचपन से मैं आपके आंचल में पला बड़ा हूँ, ऐसी बातें ना कीजिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ, मैं अपने फर्ज के साथ कभी गद्दारी ना करूँ, हमेशा फर्ज के रास्ते पर चलूँ। मुजरिम भाई हो, बाप हो या कोई भी सगा संबंधी हो, मैं उसके साथ भी वही व्यवहार करूं जो अन्य मुजरिमों के साथ में करूं माँ।
मुझे आशीर्वाद दे कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि मेरी वर्दी पर कोई धब्बा लग सके। माँ, तेरी माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है मेरे बच्चे। और माँ, चिंता आप ना कीजिए, अरे उस कमीने जमींदार विक्रम सिंह ने मेरे बाप को महज 500 रुपए के खातिर उसने मौत के घाट उतार दिया। तो मैं भी तेरे चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूँ माँ कि मैं उस कमीने जमींदार विक्रम सिंह को कानून के ऐसे जाल में जकड़ूंगा और जकड़ के साले को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि वो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसता रह जाएगा। बस माँ, मुझे आशीर्वाद दे और हंसी खुशी यहाँ से विदा करो माँ मुझे। तो यार आए भैया। ए बाबू। हाँ माँ। खितो हो रहा में हाई बसेला पर नवा हो, खितो हो रहा में बसेला पर नवा हो, जहाँ नवा हमारे बाट तो हो से, जहाँ नवा हमारे बाट तो हो से, तो हो रा में बसेला पर नवा हो, जहाँ नवा हमारे बाट तो हो से। सूरज हवा तू ही है चनावा, अभी इस दुनिया में तेरा बेटा रमेश कुमार जिंदा है माँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। तू ही मोर सूरज हवा तू ही है चनावा, तोह से उजियार भैले मन के अंगनावा, तो से उजियार भैले मन के अंगनावा, रतियों में लागेला बिहनवा हो, रतियों में लागेला बिहनवा हो, जहाँ नवा हमारे बाट तो हो से, तू ही आरम नवा हो, माई के तू ही आरम नवा हो, जहाँ नवा हमारे बाट तो हो से, तो हो रा में बसेला पर नवा हो, जहाँ नवा हमारे बात तो हो से। रो नहीं, अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगी तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। अरे आप क्यों चिंता करती हैं माँ, मैं वहां जाने के बाद आपको बहुत जल्द अपने पास बुला लूंगा। मैं यहां आपको जिल्लत भरी जिंदगी जीने नहीं दूंगा माँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हमेशा आपकी हाल खबर लेता रहूंगा। राम शरण भैया, मैं तो यहां से जा रहा हूं मेरे भाई बाबूजी थे वो भी ये दुनिया छोड़कर चले गए, बड़े भैया का भी कत्ल हो गया,
अब इस दुनिया में आखिर मेरे सिवा मेरी माँ का कौन बचा है? मैं भी यहाँ से चला जा रहा हूँ तो माँ तो अकेली रह जाएंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना बड़ा भाई का दर्जा दिया हूँ तुम्हें। मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेरे भाई, मेरी माँ का ख्याल रखना। अब यहाँ पर तुम्हारे सिवा मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल करने वाला आखिर कौन बचा है? रो नहीं मेरे भैया, वादा करता हूँ जैसे तुम्हारी माँ वैसे हमारी माँ, माता जी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। पहले इनको खिला लूंगा, मैं खाना खाऊंगा। जो मुसीबत पहले मेरे ऊपर आएगी तब मैं ऊपर आने दूंगा। वाह मेरे दोस्त, आज तूने मुझे दिखला दिया, इस जमाने को इस दुनिया को तूने बता दिया कि दोस्ती आखिर होती क्या चीज है। जिंदगी रहा दोस्त तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। माँ जा रहा हूँ। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। ए मन्ना के चिट्ठिया लिखबई बेटवा। ना माना चिट्ठिया लिखबई बेटवा, ओ करा के तार जाना, माई के दुलार जाना हो। चिट्ठिया लिखबई बाबू, करा के तार जाना, माई के प्यार जाना हो। चिट्ठिया लिखबई भैया, तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा देते। जा रहा हूं मां, अपना ख्याल रखना। हे भगवान, मेरा बच्चा जहां भी रहे सदा उसे खुशहाल रखना मालिक। कभी भी किसी प्रकार की कोई कमियां ना आने पाए उसके जीवन में। के सूख गए हैं जीने के आंसू, वे न कभी रोते हैं। सच है लोगों दुनिया वाले पत्थर दिल होते हैं, ओ पत्थर दिल होते हैं। हार गया दिल फरियाद करके, हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हार गया दिल फरियाद करके। जालिम जमाने की रस्में हैं कैसी, देखो जरा इनकी कस्में हैं कैसी। जालिम जमाने की
कसमें है कैसी खुशियां मनाते हैं बर्बाद करके, खुशियां मनाते हैं बर्बाद करके, हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके, हार गया दिल हर याद कर।